मुकाबला अगला होगा रविवार की रात को चेन्नई के चेपॉक पर, मुकाबला है कोलकाता के खिलाफ। अब इनकी हालत भी थोड़ी सी खस्ता है, मैच नंबर 61। अब जहां तक चेन्नई का सवाल है, ऐसा लग रहा है कि इनकी टॉप टू फिनिश कंफर्म हो सकती है अगर अपने अगले दो मुकाबले इन्होंने जीत लिए तो। ये वो टीम है जो विद ड्यू रिस्पेक्ट हल्की बॉलिंग के साथ ये कर पा रही है, अगर टॉप टू फिनिश कर पाए तो लेसन्स काफी हैं बाकी टीमों के लिए। अब इन्होंने कॉम्बिनेशन बढ़िया बना लिया है, पथी राणा और तिक्षणा वो दो गेंदबाज हैं जो ओवरसीज हैं, बाकी इंडियन स्पिन है, इंडियन तेज गेंदबाज हैं जो बेहतर कर रहे हैं। अब वो एक एक प्लेइंग 11 बैठ गई है, एक रिदम बैठ गया गेंदबाजी का, और वो MS धोनी बेहतर कप्तान है, इस्तेमाल बढ़िया कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी का। अब सिर्फ ये है कि कहीं KKR इनकी पार्टी ना ख़राब कर दे। ऐसा हो सकता है कि KKR पहले बैटिंग करे, 170-180 बोर्ड पे लगा दे तो वो चीज़ करने मुश्किल हो जाए, बाद में ग्रिप होता है, उनके पास भी तीन स्पिनर है। तो वो एक है कि KKR इनकी पार्टी ख़राब करे, वो जाते जाते क्योंकि पता नहीं रसल अगर पागल हो गए बल्लेबाजी में तो किसी को भी हरा सकते हैं, और एक दो रिंकू सिंह राणा ये भी फॉर्म में है, या वेंकटेश अय्यर वो भी फॉर्म में, तो ख़राब कर सकते हैं पार्टी चेन्नई की, मुझे ऐसा डर सा लग रहा है। देखिए सिद्धांता मगाला और बेन स्टोक्स दोनों अवेलेबल हैं, तो लेकिन फिर भी इस पिच पर शायद मोइन अली को प्रेफर करें, कि आप कुछ चेंजेस रिकमेंड करेंगे? स्क्वाड अगर एक बार दिखा दें, क्या बदलाव की संभावना है रोहन इस चेन्नई लाइनअप में मोइन अली? मैं तो बदलाव नहीं करूंगा, मैं तो सेम टीम के साथ जाऊंगा। अगर कुछ टूटा नहीं है तो फिर फिक्स करने की ज़रूरत क्या है? आप सेम टीम, जैसे वीरू कह रहे थे कि एक सेट हुआ है, पता है कि सबको पता है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, रोल क्या है, उनको क्या करना है, बॉलर को पता है, बल्लेबाज को पता है, तो मैं नहीं चेंज करूंगा इस टीम के जो कॉम्बिनेशन है। और जहां तक KKR का सवाल है, इस टीम की जान अटकी है उनके ट्रायो ऑफ स्पिनर्स में, तो ऐसा लग रहा है भाजी कि इस पिच पर एंजॉय करेंगे, इतना अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, हालांकि क्राउड उनके साथ बिल्कुल नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, ये तो विकेट थोड़ा ग्रिप करता है, थोड़ा स्पिन करता है, इसलिए बहुत कम मौके होते हैं जब MS धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं, और पिछले मैच में तो शायद 160-170 के करीब बना था, डिफेंड किया था बड़े आराम से दिल्ली के खिलाफ, तो स्पिनरों को मदद रहेगी दोनों तरफ की, जो स्पिन बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। चेंजेस की क्या संभावना है KKR के इस स्क्वाड में, बात करते हैं भाई। शार्दुल ठाकुर CSK के खिलाफ खेलने वाले इस मैच में, वो नज़ारा बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इस पिच पर कोई और बदलाव की संभावना आपको नज़र आ रही है या नहीं? ऐसा कोई बाहर बैठा नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा कि जिसको आप चांस दे सको या सोच सको यार इनको खिला लेते, तो मेरे ख्याल से ये भी अगर कोई फोर्स चेंज हुआ तो चांस है, अदरवाइज तो सेम टीम ही खेलेगी। लॉकी फर्गसन जी, ओके, लॉकी फर्गसन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनको ट्राई कर, बट किसकी जगह, क्योंकि अगर स्पिन विकेट है तो सुनील नारायण को तो बिठा नहीं सकते, ना रसल को बिठा सकते, तो ये हो सकता है कि शायद कोई इंडियन बैटिंग लाइन अप में बैटिंग में लाएं और गुरबाज को ब्रेक दें, और जगदीशन को लाए वो कीपिंग कर पाएगा, बिल्कुल, और होम ग्राउंड है, बट मुझे लगता नहीं जगदीशन को लाए जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, बट सेम टीम, और ऐसा लग रहा है कि सेम ही टीम के साथ जाएंगे। बिल्कुल भाई, रिंकू राणा रसल वो ट्रायो भी है जो KKR के लिए काम कर सकता है और पार्टी खराब कर सकता है चेन्नई की, जिनको दोनों मुकाबले जीतने हैं टॉप टू फिनिश कंफर्म करने के लिए। हम आगे बढ़े इससे पहले प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम CSK KKR कोई भी एक। KKR आई विल गो विद नीतीश राणा। नीतीश राणा हो गया सर। मैं एंड्रयू रसल। हो गया भाई, आपका काम अब तक हुआ नहीं है, क्योंकि आपको ट्यूशन देने के लिए फैंटेसी हैंडबुक अवेलेबल है कहाँ पर? क्रिकबज प्लस पर, उसके लिए साइन अप करें। लेकिन सर एक तो रह गया हमारा, चेन्नई का भी पता करना है। चेन्नई दुबे कॉनवे, राइमिंग है दुबे कॉनवे। चलिए भाई ठीक है, तो आपके लिए क्रिकबज प्लस पर इन इनसाइट्स के अलावा और बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है।